में अगर होता तो ज्यादा अच्छा था। राष्ट्रीय लोक जनता दल थोड़ा चार हो जाता है उसमें सब, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा उसी रूप में लोग जो चाहते थे, हमारे साथी भी कई लोग, तो उस तरह से जो बिहार के राजनीतिक चेहरे उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी का नाम बदलकर राष्ट्रीय लोक मंच कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये नाम चुनाव आयोग की मंजूरी के बाद तय किया गया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि उनकी पार्टी एनडीए के साथ मिलकर बिहार में सभी 40 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने जेडीयू और राजद के नेताओं को भी निशाने पर लिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम आपको बताएंगे कि उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का ऐलान क्यों और कैसे हुआ, उनकी पार्टी का नाम बदलने का क्या मकसद है, उनकी पार्टी का बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उनके इस कदम से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को कितनी चुनौती मिलेगी। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सफर। इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको हम बताना चाहेंगे कि उपेंद्र कुशवाहा बिहार के वो राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने अपनी पार्टी का नाम बार बार बदला है। वो पहले समता पार्टी, फिर राष्ट्रीय समता पार्टी, फिर जनता दल यूनाइटेड, फिर राष्ट्रीय लोक समता पार्टी, फिर राष्ट्रीय लोक जनता दल और अब राष्ट्रीय लोक मंच के नेता रह चुके हैं। उनका जन्म 6 फरवरी 1960 को बिहार के वैशाली जिले में हुआ था। उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में स्नातक और बीआर अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से राजनीति विज्ञान में एमए की पढ़ाई की। उन्होंने समता कॉलेज में राजनीति विभाग में लेक्चरर का काम भी किया। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश नारायण के साथ काम किया। उन्होंने नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव और रामविलास पासवान जैसे दिग्गज नेताओं के साथ भी काम किया है और उनके साथी माने जाते हैं। उन्होंने समाजवादी विचारधारा को अपनाया है। उन्होंने साल 2000 में चुनाव लड़ा और बिहार विधानसभा के सदस्य बने और उन्होंने साल 2010 में राज्यसभा का चुनाव लड़ा और राज्यसभा के सदस्य भी बने। उन्होंने साल 2013 में राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की स्थापना की। उन्होंने साल 2014 में कारकट लोकसभा सीट से जीत हासिल की। उन्होंने नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्रिमंडल में मानव संसाधन विकास मंत्रालय में मंत्री पद भी संभाला। उन्होंने साल 2018 में एनडीए से अलग होकर महागठबंधन में शामिल होना मंजूर किया। उन्होंने साल 2021 में फिर से जेडीयू में विलय किया। उन्होंने साल 2023 में जेडीयू से इस्तीफा देकर राष्ट्रीय लोक जनता दल का गठन किया। उन्होंने साल 2024 में अपनी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मंच कर दिया। उनकी पार्टी का नाम बदलने रणनीति की बात करें तो वो अपनी पार्टी को एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना चाहते हैं। वो बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में भी अपनी पार्टी का प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। वो अपनी पार्टी को एक लोकतांत्रिक, जनवादी और सामाजिक न्याय की पार्टी के रूप में पेश करना चाहते हैं। उनकी पार्टी का नाम बदलने का एक और कारण ये है कि वो अपनी पार्टी को जेडीयू और राजद से अलग करना चाहते हैं। वो इन दोनों पार्टियों के नेतृत्व को आलोचना करते हैं। वो इन पार्टियों को बिहार के विकास में असफल, भ्रष्ट और तानाशाही मानते हैं। वो इन पार्टियों को जातिवादी, परिवारवादी और विभाजनवादी आरोप लगाते हैं। ऐसे में उनकी पार्टी का बिहार की राजनीति पर गहरा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि वो इस तरह एनडीए के लिए एक मजबूत सहयोगी बनेंगे। वो एनडीए को बिहार में लोकसभा चुनाव में जीत दिलाने में मदद करेंगे। वो एनडीए के विचारों और नीतियों के साथ खड़े रहेंगे। उनकी पार्टी का ये भी प्रभाव पड़ेगा कि वो महागठबंधन को चुनौती देंगे। वो महागठबंधन के वोट बैंक को खतरे में डालेंगे। वो महागठबंधन के नेताओं को उनकी गलतियों और कमियों का सामना करने पर मजबूर करेंगे।
उनके इस कदम से नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव को भी चुनौती मिलेगी। नीतीश कुमार को इसलिए चुनौती मिलेगी क्योंकि उनके पूर्व सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा अब उनके विरोधी हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की नीतियों और कार्यों को आलोचना करेंगे। उपेंद्र कुमार कुशवाहा नीतीश कुमार के वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश भी करेंगे। लालू प्रसाद यादव को इसलिए चुनौती मिलेगी क्योंकि उनके पूर्व विरोधी उपेंद्र कुशवाहा अब उनके और भी बड़े विरोधी हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव की राजनीति और परिवार को निशाना बनाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा लालू प्रसाद यादव के समर्थकों को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार उपेंद्र कुशवाहा की नई पार्टी का ऐलान बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ लाएगा। ये एनडीए के लिए एक सुवर्ण अवसर बनेगा जिससे वो अपनी लोकप्रियता और आकर्षक बढ़ा सकेगी। ये महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बनेगा जिससे वो अपने वोटरों को खोने का खतरा उठाएगा। ये बिहार की राजनीति को और ज़्यादा रोचक और रोमांचक बनाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।